सरल चीज जब है मुक्त होने के लिए, अब प्रश्न होता है इसका आदमी क्यों नहीं ले। यदि इतना ही सरल है जो भगवान का चरण में एक दफे दिल से कह दिया, भगवान आज से हम आपको नौकर, आप हमको जो खुशी हमसे करा लीजिए, तो फिर इसमें क्या मुश्किल। भगवान का दास होने से उसको क्या सम्मान का कुछ कमी होती है? नहीं। देखिए हम लोग भगवान का दासत्व कर रहे हैं, सब दुनिया में घूम रहे हैं, यही सिखा रहे हैं जी, देखो जी आप भगवान का दास, और कोई इसमें मैजिक नहीं है, ऐसी बात नहीं है जो कोई हम मैजिक दिखाता है, कोई सोना बना देता है, कोई और कुछ कर देता है, नहीं, ये सब हम लोग का बस कुछ है। हम लोग खाली इतना ही कहते हैं, देखो भगवान कृष्णस्तु भगवान साहब, भगवान बताए हैं जो सर्वधनमान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, और मैं भी आपको यही अनुरोध कर रहा हूं कि आप भगवान का भक्त हो जाइए, भगवान की सेवा में ले, बस इतना ही हम लोग का। ये जो भगवान का हम लोग दासत्व कर रहे हैं, क्या हम लोग का सम्मान कुछ कम है क्या? कहीं भी जाते हैं सब आप लोग सम्मान करते हैं, तो भगवान का दास होने से दुनिया का सम्मान कुछ कम नहीं होता, दुनिया का सम्मान बढ़ जाता है। इधर जैसा हम लोग समझते किसी का दास हो जाए तो वो तो मालिक हो गया और हम तो दास हो गया तो हमारा सम्मान तो कम हो जाए, नहीं, भगवान का दास हो जाइए आपको सम्मान खूब बढ़ जाएगा और बढ़े। दैवी जी साधु नमोई मम माया दुर्ग, बाकी वो नहीं होगा, माया इतना तगड़ी है वो होने क्यों नहीं, होने को नहीं। तो इसलिए कहते हैं जो भगवान का दास कौन नहीं होता, भगवान खुद ही बता, नमांग दुष्कृत न मूढ़ा प्रपद्दन नराधमा। देखिए बड़ा उत्तम पदवी, कौन भगवान का दास होने को नहीं चाहता, उसको साफ पर्याय बताया, बोलता है एक तो दुष्कृति न, नमान दुष्कृति न, दुष्कृति का अर्थ होता है सब समय केवल पाप काम करता, उसका नाम है दुष्कृति। कृति, कृति का अर्थ होता है बड़ा मगजवा, बड़ा बुद्धिमान, बाकी सब बुद्धि इस तरह से पाप करना है उसी में लगा। तो ये जो व्यक्ति है नमान दुष्कृत न प्रबंधन थे, भगवान तो बोल दे जो हमारा चरण में प्रपत्ति करो उसी भगत मुक्त हो जाए, माया तुमको छोड़ दे, बाकी ये नहीं करे, क्यों? उसका कारण है जो सब समय पाप काम करता, दुष्कृत न, और कौन नहीं करता, मूढ़ा। इसका बड़े बड़े आचार्य लोग इस श्लोक का व्याख्यान बहुत लंबा चौड़ा किया है, उतना व्याख्यान आप लोग का सुनने का समय भी है नहीं और हमारा भी समय नहीं है, बाकी जहां तक है सरलता से आप लोग समझ लीजिए। तो दुष्कृत का अर्थ होता है जो सब समय पाप काम में लिप्त है, और एक मूढ़ा हो, मूढ़ा का अर्थ होता है गधा। गधा क्यों क्या कहा जाता है, गधा की बुद्धि कम हो, वो दिन भर परिश्रम करता है, धोबी का कपड़ा अपना पीठ में लाद देता है, चल भी नहीं सकता, इतना कपड़ा लेता, बाकी उनको मिलता क्या ना एक मुट्ठी घास, तो गधा की इतनी बुद्धि आई नहीं, जब घास तो कहीं भी जाए मिल जाए, ये गधा का ये धोबी के लिए मैं कह कितना इतना परिश्रम क्यों करता, ये बुद्धि उनकी आए, वो समझता बोधी धोबी हमको खाने को देता है, एक मुट्ठी घास ये हमको धोबी दे, अतः जितना दो टन कपड़ा हमारा ऊपर जो लाद देता है ये हमको बहन करना चाहिए, इसका नाम है गधा। तो साधारण कर्मी लोग है रात दिन परिश्रम कर, सब पैसा खूब कमाता है बाकी दूसरे के लिए, वो जैसा धोबी वो खाता है दो रोटी बस, ऐसी बात नहीं है कि 2 लाख रुपया आज हमने कमाया है तो हम आज सोना का रोटी बना के खाए, अरे सोना का रोटी नहीं खाया जाए, तो रोटी खाए, गेहूं का रोटी खाने का। तो
की बुद्धि होनी चाहिए, जो हमको जब भगवान की कृपा से दो रोटी मिल जाते हैं तो इतना क्यों हम परिश्रम कर। अब थोड़ा बहुत गृहस्थी के लिए हमको जो कुछ मिल जाता है उसी में संतोष करके बाकी समय भगवान की चर्चा क्यों नहीं, ये बुद्धि नहीं उनको खुले। उनका समय है ये, देखिए सवेरे इधर होता है, बाकी आदमी का समय होता नहीं खाने के लिए, तो सब समय होता है बाकी भगवान की कथा सुनने के लिए समय है। इसको शास्त्र में कहा है मूढ़ा, जो असल चीज है मनुष्य जीवन का जो काम है, जो अपने को समझना, भगवान को समझना, भगवान से हमारा संपर्क क्या है, ये सब चीज समझना अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, ये मनुष्य जीवन का काम है भाई। इसको सब छोड़ दिया है, केवल गधा के ऐसे परिश्रम करते हैं और उसका फल क्या मिलता है, बैठ दो मूढ़ा। नमाम प्रवर्धन्ते दुष्कृत नाम मूढ़ा, और कौन है नमांग दुष्कृत नाम मूढ़ा प्रवर्धन्ते नराधमा, और नराध नराधम का अर्थ होता है नर का अर्थ होता है मनुष्य, वो सबसे नीच जो है। क्यों ये मनुष्य जीवन है भगवत भजन करने के लिए, बाकी उसको हम छोड़ दिया और सब काम में बस, और सब काम में खूब हमारा उत्साह है, और भगवत भक्ति करने के लिए भगवान को समझने के लिए हमारा टाइम, इसलिए नराधम जो मनुष्य शरीर उसको मिला उसको और भी कहा जाता है कृपण। एतद् विदित्याज प्रयाति सा ब्राह्मण, एतद् अविदित्याज प्रयाति सा कृपण। जो मनुष्य शरीर जो हमको मिला इसको उपयोग उपयुक्त भाव से इसको व्यवहार करके इसमें जो फल लाभ होता है, अर्थ लाभ होता है, भगवान को प्राप्त हो सकता है उसको होना चाहिए, बाकी वो नहीं करते, इसलिए कहते हैं नराधम। और एक क्लास है उसको बताया गया है माया अपनी तो ज्ञान। कोई कह सकते हैं देखिए आप सब ये कहते हैं, हम तो बड़े बड़े सब विद्वान को देखते हैं कि वो भगवान को नहीं मानता, अपने को ही भगवान मानता है, तो ये क्या बात है, वो तो बड़े विद्वान। तो भगवान उसको बताते हैं जो विद्वान तो है, बाकी उसको ज्ञान जो असल जो ज्ञान विद्या लाभ करके जो ज्ञान होता है वो माया छीन लिया। माया अपहृत, जैसे आपके पास कोई वैल्यूबल कोई कीमती चीज है हीरा, आप समझे हुए बैठे हैं कि हमारा घर में हीरा है और उसको ताला लगा के हम आए हैं, निश्चित है निश्चिंत है, बाकी घर में अगर जाते देखते हैं जो हीरा कोई चोरी करके ले गया। इसी प्रकार ये तथाकथित जो विद्वान सब होते हैं बाकी भगवान को नहीं समझता, उसको विद्वान नहीं कहा जाता। विद्या का अर्थ होता है आखिर में जाकर के जो भगवान को समझाए वो विद्वान है। बहुनाम जन्मनाम अंत ज्ञानवान मांग प्रबद्धते, ये जो प्रपत्ति ये कौन कर सकता है, अनेक जन्म का तपस्या करके जब पूर्ण ज्ञान उसको लाभ होता तभी भगवान ने प्रपत्ति कर सकता है। वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ, तो ये जो तथाकथित ज्ञान है एम ए पी एच डी सब होते हैं बाकी भगवान को नहीं समझ, भगवान को उड़ा देने के लिए बड़े बड़े सा विद्वान भगवत गीता का ऊपर टिप्पणी लिखते हैं, उसका विचार है जो कृष्ण को उड़ा, बस हम कृष्ण है हम भगवान। तीसरी कहते हैं अपहृत ज्ञान माया, और उसका जो ज्ञान है वो छीन लिया। तवा कृपा हले मोर मोर कथा सुदा बे सुनिया सपराशोक दुकाचे गुची भे न चाओ प्रभु
ना चाह से।